हेलो सलाम कुमार, मेरा नाम है रमज़ान। वो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमज़ान लबर के ब्लॉग्स। तो ये देखिए, ये हम लोग कंपनी है। ये मैं कंपनी से बाहर निकला हूँ। अब बाहर के निकलते मन मेन जो गेट है, हम लोग निकल करके ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये सामने से मेन वे है और ये जो राइट साइड से जो टेम्पो जहाँ खड़ा है वहाँ से रास्ता है। और इसी रास्ते को पकड़ कर मैं जाऊँगा ईद का नमाज पढ़ने के लिए। कल भी बारिश हुआ था खूब सारा रात में, और परसों भी रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था। जैसे देख सकते हैं पूरा तालाब बन गया है, पानी इतना ज़्यादा हुआ है उसमें पूरा तालाब भर चुका है। ये देखिए, इसमें जो बीच बीच में आपको जो दिख रहा है, ये देखिए उसमें पूरा बरसात का पानी भर गया है। ये जो दिख, अभी देखिए पूरा साफ दिखेगा आपको, ये देखिए। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ। लेकिन नारियल पानी जो होता है, लेकिन अगर बहुत सस्ता मिलता है, समझ तो लीजिए, नहीं तो अपने यूपी में अगर 50-60 का मिल रहा है तो यहाँ पे 20-25 इतना का मिल जाता है। और गोवा में तो और भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारा ज़्यादा है। अगर वहाँ 100% है तो यहाँ पे 50% है। ये देखिए, इस साले को साइड देना चाहिए, तो पूरा जगह चेक कर रखा है, ऊपर से ओवरटेक कर रहा है। किसी के जाली गिर गया है, खिड़की के जाली। अपने लपेट में लेना चाहेगी, इतने में बुलबुले छिद्रा आएगा, इतने में टाइगर छिद्रा आएगा, इतने में जिब्रील अमीन जो है अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आएगा, उसमें थोड़ा सा पानी होगा। नबी कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, इस कटोरे के पानी को लेकर जहन्नम की आग में छिड़किए, जहन्नम की आग में छिड़कना होगा, जहन्नम की आग बुझ जाएगी, गुले गुलजार हो जाएगी। मेरे आका पूछेंगे, ऐ जिब्रील ये कौन सा पानी। तो ईद का नमाज़ पढ़ करके अब निकल चुके हैं बाहर। ये जो सीधा पर रास्ता दिख रहा है, चल जाता है फ्रैंक लाइन, और ये जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ के आते हैं ये रास्ता, वहाँ पर चल जाता है ईदगाह में। ये है हमारी टीम। अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि नमाज वमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ अपने ड्यूटी पे, क्योंकि अब रूम पे सब कुछ खास उतना काम था नहीं, बाकी चिकन वगैरह बनाना था। सुबह ही बना के हम लोग सुबह खा के निकल चुके थे, फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़े, उसके बाद फिर पाइपलाइन से फिर वहाँ पे चिकन वगैरह खरीदे, बाकी नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर अपने ड्यूटी पे आ गया हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी रूम पे रखे करते क्या, छुट्टी मारने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब इंसान अब आया है बाहर पैसा कमाना, तो ड्यूटी करना भी ज़रूरी है। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को ईद मुबारक। और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जिम ऑफिस के पास। तो आज का ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा, और मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।